Okay, so hello students and welcome to new video on your favorite channel Ramroop Sharma. आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशंस में काफ़ी बार पूछा गया है और ये 3 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन है. हालांकि ज़्यादा लंबा नहीं है बट थोड़ी सी कैलकुलेटिव और थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग चाहिए. बट उससे पहले आई नो एज अ स्टूडेंट जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो काफ़ी बार आपको डाउट्स आ जाते हैं एंड वी नो दैट हम आपके लिए हमेशा वीडियोज़ अपलोड करते हैं. वी आर ट्राइंग आवर 100%. बट कभी कभार ऐसी सिचुएशन में बच्चा फंस जाता है जब उसके पास ना तो बुक का समझ आता लिखा हुआ ना ही उसके पास ऐसी कोई वीडियो अवेलेबल होती है. तो ऐसे समय पर क्या करा जाए, तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया ऐप आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ विच इज़ डाउटनेट ऐप. और ऐप के साथ साथ डाउटनेट की व्हाट्सएप सर्विसेज का भी आप यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली व्हाट्सएप सर्विसेज में क्या करना होता है, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमारा लिंक है उससे जाएंगे आप लोग, ठीक है ना. हालांकि वो पेड है बट आप हमारे लिंक से जाएंगे तो वो आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. उसमें क्या होता है, आपको जस्ट जाके आपके क्वेश्चन में जो भी आपका क्वेश्चन है आपकी उसकी फ़ोटो क्लिक करिए और उन्हें व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए एंड इन अबाउट 3 to 5 seconds दे विल गिव इंस्टेंट सोल्यूशन टू दैट क्वेश्चन. और बहुत सारे सोल्यूशन आ जाएंगे और आप देख देख के आपको क्लियर हो जाएंगे. तो आपको सेल्फ स्टडी में जब भी कोई दिक्कत आए तो आप डाउटनेट ऐप या डाउटनेट की व्हाट्सएप सर्विसेज का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना. इस सजेशन के बाद चलिए अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर. इधर हमें कहा हुआ है इफ टैन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम एंड टैन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन, ठीक है ना. Then show that m square minus n square is equals to 4√mn. अब यहाँ पे भैया ऐसे questions में आप लोग क्या करिए, LHS अलग solve करिए और RHS आप लोग अलग solve करिए. हालांकि मैं left hand side में आपको LHS solve कर दूंगा और ये dotted line के जो right hand side है वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए RHS solve करके दूंगा. चलिए अब आप लोग ट्राई कीजिए पहले वीडियो पॉज करके, नहीं तो मैं आपको समझा ही रहा हूं, ठीक है ना. इसमें क्या करना होगा, आप लोगों को tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू m, tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू n. LHS आपका है कि भैया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, m की जगह हम रख देते हैं tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर. ये हमारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ गया. इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं. जब हम मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है ना. तो ये आपका हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा टैन थीटा माइनस, जब आप लोग इसे खोलेंगे तो ये आएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू टैन थीटा साइन थीटा, ठीक है ना. तो ये आपके पास m और n की वैल्यू है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकाल लेंगे. जब आप इसको खोलेंगे ये माइनस का साइन हटा देंगे तो आपका टैन स्क्वायर थीटा भी माइनस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का और ये प्लस का. तो टैन स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, टू साइन थीटा टू टैन थीटा साइन थीटा आपका हो जाएगा 4 sin थीटा टैन थीटा. तो ये आपकी आ गई है LHS लेफ्ट हैंड साइड. अब हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की राइट हैंड साइड क्या कहती है हमारी. तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू निकालनी है 4√mn की. तो 4√m की वैल्यू है tan थीटा प्लस sin थीटा और n की वैल्यू है tan थीटा माइनस साइन थीटा. यहाँ पे क्या हो जाएगा 4√ ए प्लस बी ए माइनस बी एंड द फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना. ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये आपका हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब मैं टैन स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. tan थीटा की वैल्यू हो गई sin थीटा अपॉन cos थीटा 4√. जब मैं LCM लूंगा तो ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और होल अपॉन में cos स्क्वायर थीटा. 4 अपॉन में आपका cos थीटा कॉमन आ जाएगा रूट से और यहां से मैं sin स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लूंगा
साइन स्क्वायर थीटा और अंदर मेरा बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप लोगों को पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा का रूट आएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बचेगा कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा 4। एक साइन अपॉन कॉस बन जाएगा आपका टेन थीटा और जो दूसरा बचा होगा वो बन जाएगा साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं RHS और हमारी जो LHS है, क्योंकि LHS बराबर आ रही है आपकी RHS के, सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो हमने शो कर दिया m square minus n square की वैल्यू 4 root mn के बराबर है। तो इसी के साथ आप लोग डाउटनेट की ऐप और व्हाट्सएप सर्विसेज का इस्तेमाल करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।